आज हम लोग सोलेनोइड पढ़ेंगे और समझेंगे कि सोलेनोइड क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले सोलेनोइड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये एक वायर है। ठीक है, और इस वायर को अगर मैं इस मार्कर के ऊपर ऐसे लपेट देता हूं, देखिए इस टाइप से, ये इसको ऐसे आप लपेट दीजिए, उसके बाद इस मार्कर को आप बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए ये एक राउंड शेप में आपको दिखाई देगा कुछ बना हुआ, देख रहे हैं ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं सोलेनोइड। तो हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि अगर ये सोलेनोइड बन रहा है और इसमें से मैं करंट को पास कराऊं, क्या कराऊं, करंट को अगर इसमें से मैं पास कराता हूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। ठीक है, और हमको एम्पियर लॉ से पता करना है कि अगर मैं कोई भी एक लूप बनाऊं इस पे, इस सोलेनोइड के अंदर और बाहर कैसे भी, तो उस लूप पे इस सोलेनोइड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस हमारे एम्पियर लूप में, फिर इस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो ये है हमारा सोलेनोइड। अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान देना है, इसको मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं तो आपको और ज्यादा बेटर व्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सोलेनोइड है, बहुत सिंपल सा सोलेनोइड है। देखिए इसमें से मैंने वाइंडिंग को यहां से चालू किया और इधर रखा, इधर से बनाया और इधर लेके आया। ठीक है, तो इधर से बनाने के कारण देखिए सोलेनोइड देख रहे हैं, ये इधर से आया है और ये अंदर जा रहा है, फिर इधर से आया फिर अंदर गया, फिर इधर से आया फिर अंदर गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर से आ रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस साइड बन रहा है, देखिए इधर, इस साइड बन रहा है इधर। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से मैं इस लूप को भी बनाता हूं। ठीक है, सोलेनोइड, अब देखिए यहां से करंट गया और ये यहां से डॉट बना दीजिए, इधर से ऐसे आया क्रॉस बना दीजिए, डॉट बनाइए क्रॉस बनाइए, डॉट बनाइए क्रॉस बनाइए, डॉट क्रॉस डॉट। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, करंट इधर गया ये अंदर आया, फिर यहां से इधर गया ये ऊपर और फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सोलेनोइड बन गया, ये करंट की डायरेक्शन बन गए, इधर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये इस पॉइंट पे ये बाहर की तरफ आ रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो नॉर्मली तो हम इसको सर्कुलर लूप में लेंगे, जब सर्कुलर लूप में लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जाएगी, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, सबके सब इधर जा रहा है। ठीक है, एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी आप बनाए हमेशा सर्कुलर लूप में ही आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये अगर बन रहा है तो इसका लूप इधर बनेगा, ये बना तो ये लूप ऐसे बनेगा, ये लूप बना तो ऐसे बनेगा, ये लूप बना तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये लूप बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है, कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिंगल लाइन की जैसा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी बनेगी तो सर्कुलर लूप में ही आपका बनेगा। अब ये बात हो गई कि इधर चला गया, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट में ये आपका जो करंट है वो सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बोलूं थंब रूल के हिसाब से, राइट हैंड रूल के हिसाब से, अगर ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन बताता है और ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, और इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा तो ये जो फिंगर्स देख रहे हैं ये आपकी फील्ड, सॉरी करंट की डायरेक्शन बताते हैं। अगर ये करंट गोल गोल घूम रहा है, देखिए इधर करंट ऐसे गोल घूमा तो फील्ड लाइन इधर बन रही है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि करंट ऊपर जा रहा है तो फील्ड लाइन गोल गोल घूमेगा, फिर समझिए फील्ड लाइन अगर ऊपर जा रही है तो करंट ऐसे गोल घूमेगा। ठीक है, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो फील्ड लाइंस गोल घूमेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाला है। तो ठीक है, अगर करंट सीधा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोल घूमेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड सीधा है तो करंट गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे हमारा करंट आउटर की तरफ निकल रहा है,
देखिए, तो ये अगर ये बाहर की तरफ अगर ये निकल रहा है तो मैट्रिक फिर ऐसे गोल घूमेगा, तो इस पॉइंट पे ये ऐसे गोल घूमेगा। देखिए इस पॉइंट पे भी गोल घूमेगा, इस पॉइंट पे भी गोल घूमेगा, इस पॉइंट पे भी गोल घूमेगा, इधर भी गोल घूमेगा, ठीक है, यहां भी गोल घूमेगा, यहां यहां यहां, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सा है। तो ये अंदर की तरफ देखिए जा रहा है, तो ये ऐसे, तो ये अंदर गया, ऐसे इधर आया, ये इधर, ये इधर आया, ये इधर, ये इधर आया, और ये टोटल हमारा फील्ड ऐसे इस टाइप से बिहेव करेगा। अंदर से ये सीधा सीधा जाएगा, और जैसे सर्कुलर लूप लेके फिर से अंदर आ जाएगा, ये पॉइंट और इस पॉइंट पे दोनों में हमारा गोल गोल ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब ये था हमारा फील्ड लेंस, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं सिर्फ एक सर्कल की बात कर रहा हूं फिलहाल में, अगर मैं एक सर्कल ऐसे बनाता हूं, देखिए ये, तो इसमें ये पॉइंट से आपका बाहर निकला और ये पॉइंट से आपका अंदर जा रहा है, ठीक है। एक सर्कल की बात किया, तो यहां पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल घूमेगा और यहां भी गोल घूमेगा, ये ऊपर की तरफ गया और ये नीचे की तरफ आया, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पास में इसको एक और लूप घुमा देता हूं, देखिए, ठीक है, छोटा सा घुमाएगा। जब मैंने इसको एक और लूप में घुमाया, तो ये यहां पास में भी ये बाहर की तरफ निकला, तो इसने भी लूप बनाया, ठीक है। अब एक चीज को देखने लायक बात है यहां पास में, कि ये लूप बना रहा है, ये भी लूप बना रहा है, ये भी ऊपर गया, ये भी नीचे गया, ठीक है। अब होगा क्या कि देखिए, इसकी करंट ऊपर के साइड में बन रही है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऊपर की साइड बन रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड बन रही है, ठीक है। और करंट दोनों के दोनों एक ही साइड पैरेलल आ रहे हैं, मान लीजिए कि करंट इधर और ये भी करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल में आपके पैरेलल लाइंस और एंटी पैरेलल लाइंस में पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा टोराइड की वजह टॉपिक आने वाला है। फिलहाल मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, देखिए ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रहा है, ठीक है। फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि फील्ड लाइंस हमेशा सर्कुलर लूप पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, अगर इसकी फील्ड लाइंस को देखिए, मैं बढ़ाने की कोशिश करूं, इस पॉइंट पे बढ़ाने की कोशिश करूं, तो ये क्या एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो यहां होगा क्या, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, देखिए मेरे पास में नीचे बनाता हूं डायग्राम, इसको आप डॉट मानिएगा और ये भी एक डॉट है। तो यहां फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, ये फील्ड इधर जा रहा है, तो ये फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये फील्ड लाइन जाएगा तो जाएगा कैसे? तो देखिए, इसके कारण जो फील्ड लाइन निकला, ये इसको क्रॉस करने की कोशिश की और ये ऐसे मुड़ गया। देखिए इस टाइप से बिहेव करेगा, ये देख रहे हैं, और फील्ड लाइन ये और बनाया, तो ये फील्ड लाइन देखिए ऐसे गोल घूम जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक और अटैच कर दूं यहां पास में गोल सा, तो ये इसके बाहर जाएगा। तो मैं जितने यहां पास में सर्कुलर लूप बनाते जाऊंगा, तो ये इसके पास क्रॉस करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, तो इधर से घूमने की कोशिश किया, फिर मैंने एक डॉट बनाया, तो इसने भी फील्ड लाइंस बनाई होगी, तो यहां पास में घुसने की कोशिश की, तो इसकी फील्ड लाइंस के क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, फिर मैंने एक डॉट बना दिया, देखिए फिर घुमा दिया ऐसे करके, ठीक है, यहां, तो ये फिर से इसको ऐसे गोल घूमने लग जाएगा। तो इससे एक चीज हमको पता चला कि ये अगर फील्ड लेंस क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट नहीं सकता, तो इसको पास लेके आएगा और ये फील्ड लेंस गोल गोल घूमने लग जाएगी। एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ भी है, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये फील्ड लाइंस और ये नीचे जो आ रहा है फील्ड लाइंस, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां पास में आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये कैंसिल आउट नहीं करता कभी भी, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो इसका लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जो नियम के खिलाफ है, ठीक है। तो रूल्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता, तो कैसे करेगा, ये इसको पास ले आएगा और लूप को अपने बड़ा कर लेगा, ठीक है। फील्ड लाइंस क्या करेगा, इस लूप को बड़ा कर लेगा और ये वायर को अपने पास बुला लेगा। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस में जो ये आपको जो वायर दिख रहा है, ये फील्ड लाइंस को खींचता है वायर को और एंटी पैरेलल में दूर भगाता है, इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल आप इतना समझिए अभी, ठीक है। तो देखिए ये इधर पास आएगा, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे इधर घूमेगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। अब एक और चीज समझिए इसमें, कि ये जो आपका सोलेनोइड दिख रहा है, ठीक है, ये जो मैंने आपको सोलेनोइड बना के दिया यहाँ पास में, ये सोलेनोइड की अंदर की, देखिए ये अंदर में जो वॉल्यूम है ये काफी कम है, ठीक है। तो इसके अंदर से जितने भी फील्ड लाइंस जाएंगे, इसके पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो अगर इसकी जगह कम है, फील्ड लाइंस बहुत जा रहे हैं ज्यादा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी हाई रहेगी,
ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कम है हमारा। अब ऊपर की बात करते हैं तो ये देखिए इधर से गोल घूमा, अब यहां पास में तो काफी जगह है, ये ऐसे गोल घूम जाएगा दूर से, तो इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, लो रहेगी। अब जितना फील्ड लेंस इसके अंदर से जा रहा है वो तो बाहर से घूम के आने ही वाला है, पर यहां पर में जगह कम है करके इसकी डेंसिटी बढ़ गई और बाहर में बहुत जगह है, तो ये अच्छे से पूरा एकदम फैल के घूमते हुए आएगा अंदर में, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, हमको करना यह है कि इस सोलेनोइड में हम एक एम्पिरियन लूप बनाएंगे और उस एम्पिरियन लूप में चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, और मैग्नेटिक फील्ड उस एम्पिरियन लूप में कैसे वर्क करेगा। तो आई होप आपको अब ये सोलेनोइड एकदम क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट पे भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, ठीक है, या आपके पास में ऐसा कोई डाउट है। तो ये हमारा एकदम सिंपल सोलेनोइड था, ठीक है, आप घर में बना के इसको चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हैं और इसी में बहुत सारे इंजन भी बने हुए इसी सोलेनोइड के ऊपर। तो अब इलेक्ट्रिक मोटर्स के जो भी इंजन देखते हैं वो सब के सब सोलेनोइड बेस पे ही रहते हैं। तो मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूं और एप्लीकेशन को बनाते हैं और चेक करते हैं कि उस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। चलिए ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ये मैंने एक सोलेनोइड बनाया, सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। यहां पास में आप डॉट रख दीजिए, मतलब करंट बाहर आ रहे हैं और ये अंदर जा रहे हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही हैं, इधर डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए फील्ड लाइंस मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ठीक है, ये फील्ड लाइंस आपके साथ इस साइड में जा रहे हैं। अब इधर जो फील्ड लाइन है वो काफी दूर तक रहेगा, ठीक है, तो यहाँ के मुकाबले यहाँ की डेंसिटी फील्ड लाइंस की काफी कम रहेगी। एक अनुमान लगा लीजिए आप कि अगर इसके अंदर से हजारों फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है, कितना, हजारों फील्ड लाइंस, तो इसके एरिया को मैं देखो तो हजारों फील्ड लाइंस है। अगर इतना ही एरिया मैं यहाँ पास में एक ट्रायंगल बना देता हूँ, रेक्टेंगल बना दे रहा हूं, तो अगर इसमें से इस लाइन से हजारों फील्ड लाइंस अगर जा रही है तो इसमें से एक या दो जाएगा मुश्किल से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगह ले लेता है घूमने के लिए, ठीक है। अब एक दो के मुकाबले अगर हजारों लाइंस जा रही है तो यहां पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या मानेंगे, नियर अबाउट जीरो। तो यहां पास फील्ड लाइंस को हम नियर अबाउट कैसे मानेंगे, जीरो के आसपास मानेंगे, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आपको समझना है। अब ये रेक्टेंगल जो मैंने बनाया है इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अब इस एम्पिरियल लूप में, ये आपका एम्पिरियल लूप है, ये ऐसा ये इधर जाएगा ये, ठीक है, ये एक लूप है तो गोल तो घूमेगा ही, देखिए ये एक लूप है, क्लोज लूप। अब इस लूप में हमको ये सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसको हम लोग एम्पिरियल सर्कुलर लॉ से चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, डीएल इज द लेंथ, देखिए यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, यहां से यहां तक के भी एल ले लीजिए, इधर के भी एल, इधर के भी एल, चाहे आप इसको स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, इसमें ज्यादा फर्क नहीं, ठीक है, आप स्क्वायर भी इसको ले सकते हैं। तो बी डॉट एल ये जाएगा ए से डी तक, यहां से ऐसे घूम के यहां बाद में वापिस आएगा, इसका लिमिट है, इस लिमिट को आप ब्रेक कर दीजिए। देखिए पहला जाएगा ए से बी तक के लिए बी मैग्नेटिक फील्ड, डी एल डॉट प्रोडक्ट होने के कारण कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी से सी की तरफ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बी से सी की तरफ कॉस थीटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से डी की तरफ बी डॉट डी एल कॉस थीटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डी से ए की तरफ बी डॉट डी एल कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ए से बी की तरफ जा रहा है तो जो डीएल की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी सेम साइड में है, तो अगर B भी इधर ही है DL भी इधर ही है तो दोनों का एंगल कितना बनेगा, जीरो डिग्री, ठीक है। तो cos जीरो कितना होता है, cos जीरो होता है वन, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्लियरली B डॉट L, DL का इंटीग्रेशन करेंगे यहां से यहां तक का तो L बन जाएगा B डॉट L, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे आते हैं B से C मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारी इस साइड, DL की डायरेक्शन है अपर के साइड में, ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के हैं, cos 90 होता है जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब देखिए ऊपर के साइड में आते हैं, ये फील्ड लाइन जा रहा है इधर और DL जा रहा है इधर, मतलब 180 डिग्री,
cos 180 माइनस 1, बट यहां पास में b की वैल्यू क्या है, 0 है, यहां मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर पाया जा रहा है इस लूप के कारण, ठीक है। तो इसके कारण इसको आप 0 ले लीजिए। अब आते हैं इस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है इस साइड और हमारा रियल जा रहा है इस साइड, दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो इसको भी cos 90 0, तो ये भी 0। तो इस पूरे लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो सिर्फ इस लाइन पे बनेगा, तो मैं क्लियर लिख सकता हूं b डॉट l। तो ये हमारा आ गया b डॉट dl का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास में फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला हमारा है b डॉट dl इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू 0 i। अब ये i की वैल्यू को हमको निकालना है, ठीक है। तो टू फाइंड द करंट, टू फाइंड द करंट, अब हमको करंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है l, और इसमें जितने भी हमारे टर्न्स हैं क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को लेते हैं n, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ये हो गया n, ठीक है। यहां से यहां तक अभी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू 0, करंट जो जा रहा है वो तो जा रहा है n i, ठीक है। अब ये n क्या है, अगर यहां से यहां तक का टर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि पर यूनिट लेंथ के हिसाब से अगर चलें तो कितना होगा, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से चलें तो कितना होगा, मतलब कि मैंने एक यूनिट ले लिया, चाहे सेंटीमीटर ले लीजिए या मीटर ले लीजिए, आपके ऊपर है कि आप क्या यूनिट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर के अंदर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, ठीक है, एक सेंटीमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, n इक्वल टू l इज द लेंथ इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैंने एक यूनिट कुछ भी ले लिया, उस यूनिट के अंदर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, तो मैं यहां क्लियर लिख सकता हूं कैपिटल n इक्वल टू n इनटू l, ठीक है। स्मॉल l इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। तो मैं इस n के जगह में इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो यहां आएगा म्यू 0, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, म्यू 0 l n i, ठीक है। एक वैल्यू हमको करंट की यहां से मिल गई, b डॉट l आपको यहां से मिल गया, पुट कर दीजिए यहां पास में, तो हमारे पास में फॉर्मूला दिया हुआ है b डॉट dl की वैल्यू आएगी b डॉट l, ठीक है। म्यू 0 i हमने यहां से निकाला था, म्यू 0 l स्मॉल n i, ठीक है, स्मॉल n आएगा, कैपिटल n तो ये है, l l कैंसिल, b की वैल्यू आएगी म्यू 0 n i, और ये हमारा फॉर्मूला बनेगा सोलेनोइड का, अगर हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का कुछ भी ले लें, ठीक है, एक लूप बना ले, और जिसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की पता करें कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है किसके द्वारा, इस सोलेनोइड के द्वारा, तो हमारा b इक्वल टू म्यू 0 n आएगा, n इज द नंबर ऑफ टर्न i एंड b, b इक्वल टू म्यू 0 n i, तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड रहेगा हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। करंट तो ठीक है, इसमें से जो करंट जा रहा है वो भी इसमें सभी में से करंट उतने जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ाते जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। करंट तो जितना हमारा करंट इसमें से जा रहा था उतने जा रहा है, अगर हम करंट को भी बढ़ा दें तो करंट भी वेरिएबल, अगर करंट की वैल्यू को बढ़ा दें तब भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोलेनोइड, आई होप आपको अब ये सोलेनोइड एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी इक्वेशन को आप ध्यान दीजिए, b इक्वल टू म्यू 0 n i, इसी इक्वेशन को हम लोग टोराइड में भी लेके आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टोराइड, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में, इस टॉपिक सोलेनोइड टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, अगर आपके मन में कोई न्यूमेरिकल्स हैं तो उसको भी आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर वीडियो।